देख रहे हैं पूरे इंडिया न्यूज। जिस तरीके से चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें पूरी तरह से भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ से कमल खिला चुके हैं और 45 साल का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ तिलिस्म हो चुका है। लगातार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय की यहाँ पर मेहनत लंग रहते हुए दिखाई दी, जिसको लेकर पूर्व सांसद नकुल नाथ ने इस पर ट्वीट करते हुए वर्तमान के नए सांसद प्रत्याशी निर्वाचित हुए विवेक बंटी साहू को ट्वीट करते हुए बधाई प्रेषित की है। साथ ही रुके हुए कार्यों को करने के लिए उन्होंने इस ट्वीट में कहा है। तो लगातार जो है पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ में ये दूसरी बार सेंधमारी भाजपा ने की है। इसके पहले उपचुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा ने यहाँ से शिकस्त दी थी, जिसके बाद अब विवेक बंटी साहू ने यहाँ से जीत हासिल की है। तो देख मोदी जी के गरीब कल्याण, जन कल्याण और जो मोदी जी का सपना है विकसित राष्ट्र का, तो छिंदवाड़े की जनता ने उसमें पूरा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छिंदवाड़े की जनता ने भारी बहुमत, भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाई है। मैं छिंदवाड़े के जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विश्वास जताया। मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि छिंदवाड़े के कार्यकर्ताओं को जब जब आवश्यकता पड़ी और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ मुख्यमंत्री जी आए। मैं माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया और संगठन की मजबूती के लिए हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया, उसमें चल करके हमने संगठन को मजबूत किया और छिंदवाड़े की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। सबका बहुत बहुत सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता गरीबों तक के सरकार की योजनाएं पहुंचे, गरीब कल्याण के जो मोदी जी का सपना है और विकसित भारत जो 2047 तक हमें विकसित राज्य बनाना है, उसमें छिंदवाड़े की भूमिका क्या हो सकती है। छिंदवाड़े के युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, ट्रेनों की सुविधाओं का मुद्दा है, प्रकृति ने छिंदवाड़े को बहुत कुछ दिया है, उसे हम पर्यावरण के नक्शे में कैसे उभार सकते हैं, ये सारी बातें हैं जिसे हमें आगे जाके करनी है। मैं हमारे मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने समय समय पर हमें उचित स्थान दिया और जो सच्चाई और जो झूठ की बातें होती थी उसको भी मीडिया